तो पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी कौन सा डिस्कस किए थे, प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी में हमको पता चल गया था जो एनर्जी ऑफ लाइट है या फिर फोटॉन, उनका जो एनर्जी होता है ई इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू किसके इक्वल होता है, सी बाई लेमडा। तो एच सी बाई लेमडा या फिर एच सी न्यू बार, ये फॉर्मूला था प्लैंक थ्योरी का। प्रीवियस लेक्चर हम लोग बस इतने ही डिस्कस किए थे। द एनर्जी ऑफ एनी लाइट और फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो प्रोपोर्शन के साइन को हटाने पे कांस्टेंट यूज होता है एच न्यू, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा और एच सी न्यू बार। ये था प्लैंक थ्योरी। तो यहाँ पे एच क्या है भाई, इनको बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट। ये वैल्यू आपको लर्न करना था, कितना था भाई, 6.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34। वेरी गुड, यूनिट है जूल सेकंड। बस 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 बोल लिया, बस माइक म्यूट कर लो। यूनिट है जूल सेकंड। जूल का वैल्यू याद रखना पड़ता है आपको, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, 1 जूल इक्वल टू होता ही है। सी स्पीड ऑफ लाइट या लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट लेमडा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, जिसको बोला जाता है हर्ट्ज। वेव नंबर इसका होता है मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, अलग 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 यूनिट मतलब लेंथ में लोगे, लेंथ का यूनिट जो भी होता है, ये सब मीटर सेंटीमीटर पर मीटर पर ज्यादा भी मीटर इनवर्स, और ये मीटर में लेंथ का यूनिट। और कुछ बच्चा है भाई, इतनी चीजें याद रखना था। चलो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दो चार इतनी से आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करना। 2.10 करके क्वेश्चन, नहीं 2.1 नहीं होगी, 2.11। अच्छा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है ना अभी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम दे रहे कुछ क्वेश्चन नोट करना। 2.12 का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्सटबुक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट। सर फिर से बोलो। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, बोर्ड में देखो डाटा लिखा है 242 नैनोमीटर। नोट कर लिया वहां तक, आगे कंटिन्यू करो। इज जस्ट सफिशियंट टू आयोनाइज, इज जस्ट सफिशियंट टू आयोनाइज रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। कौन सा एटम, सोडियम सर आयोनाइड के बाद,
अरे आयोनाइज है द सोडियम एटम। एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं नोट हो रहा तुम से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। इन किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल। तो एनर्जी पूछा तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा दिया रहता है भाई। बोलो HC into 1 by lambda। के साथ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू HC by lambda। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10^-34 इंटू सी का 3 × 10^8। ये किसमें लेमडा? 242 नैनोमीटर। यूनिट भी नोट कर लो। एक है आपका जूल, सेकेंड मीटर पर सेकेंड और नीचे में क्या है? नैनोमीटर। तो मीटर और नैनोमीटर कैंसिल हो सकते हैं क्या? नैनोमीटर को मीटर में चेंज करो तो कितना आएगा भाई? 10^-9। मीटर ये आना चाहिए, याद रखना ये। तो वैल्यू पुट करो तो फोकस मीटर मीटर कैंसिल सेकंड सेकंड आंसर किसमें आएगा? जूल में। तो सॉल्व करो कितना आता है आंसर? आंसर जूल में। और इसका जो है ये एक एटम के लिए, जूल पर एटम है ये जो आंसर आएगा वो जूल पर एटम के लिए। एक एटम का एनर्जी यहाँ पे मोल बोला है और भी किलो जूल में। आगे सॉल्व करके बताओ यहाँ पर। चलो देखो आंसर, इसको पूरे को सॉल्व करोगे यहाँ पे बचा हुआ था भाई 10^-9 यहाँ लिखा गया है, ठीक है ना? ध्यान नहीं दिया हो तो ये पूरे को सॉल्व करोगे तो 8.2 के आसपास डाटा आएगा। ये पूरे को सॉल्व करने पे 8.2 साथ में 10^-19। लेकिन किसमें ये यूनिट? जूल पर एटम। हमारा आंसर किसमें चाहिए भाई? किलो जूल में। और एक एटम के लिए नहीं चाहिए, एक मोल एटम के लिए चाहिए। तो जूल को किलो जूल में कैसे चेंज करेंगे भाई? कई लोगों को इतने ही नहीं सॉल्व हुआ है। 8.2 इंटू 10^-19 ये जूल पर एटम है, मतलब एक एटम के लिए। तो जूल को किलो जूल में कैसे चेंज करोगे भाई? हेलो, कोई इतना सिंपल सा चीज भी नहीं बता रहा। डिवाइडेड बाय 1000। हाँ, डिवाइडेड बाय 1000। पॉइंट टू इंटू 10^-19 तो जूल चेंज जाएगा किलो जूल में। जब डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 1000 पर एटम, ऐसे ही रहेगा। तो 8.2 इंटू 10^-22 किलो जूल पर एटम। तो हमको मालूम है द आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन एटम
कितना है भाई? 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 किलो जूल। तो वन मोल के लिए क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बोलो? वन मोल मतलब कितने पार्टिकल, कितने एटम होंगे? 6.02 into 10 to the power 23 एटम। तो बताओ क्या होगा भाई? वन मोल मतलब 6.02 into 10 to the power 23। एक एटम का इतना, तो सिक्स एटम का कितना होगा भाई? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। 8.2 10 to the power माइनस 22, ठीक है ना? तो सॉल्व करने से कितना आएगा? 10 to the power 1 और 6.02 8.2, तो पूरे को सॉल्व कर लो तो आ जाएगा आंसर भाई 14.08। सो हाँ बेटा, सो एक डाउट है। बोलो क्या डाउट है? वो माइनस 19 कैसे आया? माइनस 19 बेटा पूरा सॉल्व कर लो, आपका डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। सॉल्व कियो पूरा? यस सर। कितना आया बेटा बताना मुझे डाटा? 6.6 into 3 divided by 242 करो। सर 0.08281 आता, 8184। पहले हमको चेक कर लें तो 6.6 into 3 19.8 आएगा divided by 242, 0.088, ठीक है। उसको सॉल्व करोगे 6.3 into 3 242, इसको साथ में 0.0818, तो जिसको मैं अप्रॉक्स ले रखता हूँ 0.82, ठीक है ना? अप्रॉक्स रखा हूँ। साथ में 10 की पावर में यहाँ पे कितना था? 26 10 to the power minus 9। जब बेस सेम हो तो पावर डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, तो 26 में 9 हटाओगे तो कितना आएगा भाई? 17 आएगा, माइनस 17। जिसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो क्या आएगा? 8.2 into 10 to the power minus 19 आएगा कि नहीं आएगा? ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है भाई। बोलो सर। वो क्या लिखे एनर्जी के पहले उस साइड? रुको भाई, अभी अभी रुको, ठीक है ना? अभी उसको समझा लें दो। क्यों आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यस सर। तो बेटा ये सिंपल, हाँ बेटा बोलो। सर वो 0.081 का 0.082 कैसे हुआ? अरे और किसी को कुछ बोलना है इसके आगे? और किसी को कुछ बोलना रह गया भाई? नहीं सर। इसको बेटा एक्यूरेट जब सॉल्व करोगे ना तो ऐसा ही आता है, ठीक है ना? अलग अलग कैलकुलेटर में इसका वैल्यू अलग अलग आता है, ठीक है? तो उतना के लिए ना रोते नहीं है, करके देख लेना। 10-2 मोबाइल है, दोनों मोबाइल अलग अलग मॉडल होना चाहिए इसमें, और उसमें कैलकुलेट कर लेना, दोनों में वैल्यू अलग अलग आता है, इसलिए उसको अप्रॉक्स वो लिया गया। एक तो छोटा सा कैलकुलेशन नहीं करते, हमारा मेन है कि 10 की पावर में इतना आना चाहिए, वो देख लो पहले, क्योंकि सबका राउंड अप करने का जो मेथड, जो सॉफ्टवेयर फिक्स किया जाता है ना, वो अलग अलग होता है मोबाइल में। तो 10 to the power minus 19 आएगा। तो ये लिखा गया आयोनाइजेशन एनर्जी, TION को हम शॉर्ट में TN लिख देते हैं। कैलकुलेट क्या कर रहे? वही ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन एटम इज इतना, तो वन मोल मतलब इतना, तो इंटू करोगे तो कितना आएगा? 49.36। ये है, तो इसका आएगा
अगर ये आ रहा 364 तो किलो जूल पर मोल, तो ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 2.12। तो बाकी सब चीजें कंफ्यूज करने के लिए दिया था, एनर्जी बोला है, वेवलेंथ पता होना चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट है इस क्वेश्चन का, ये पता होना चाहिए। तो भैया हमको जो फॉर्मूला है एनर्जी का, आइंस्टाइन एनर्जी का इक्वल टू एच न्यू, उस एनर्जी से एक एटम का एनर्जी निकलता है, यहाँ पे वन मोल बोला है तो इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नोट कर ले ये वाला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2.13 क्वेश्चन नोट करना, लिख देते हैं भाई, ए 25 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट, एमिट मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट और 25 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ जीरो पॉइंट फाइव सेवन माइक्रोमीटर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, कैलकुलेट रेट ऑफ इमिशन। बेटा माइक म्यूट करो, सर आवाज नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन है 2.13, एक बल्ब है जिससे जो लाइट उसका क्लियर है येलो, पूछा है वेवलेंथ कितना दिया हुआ उसका, तो पूछा कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन पर सेकेंड, तो भैया क्वांटा पर सेकेंड, तो पहले क्वांटा का एनर्जी निकाल लो, पहले क्या कर लो उस क्वांटा का एनर्जी। अब तो सबसे पहले इसमें निकालो एनर्जी ऑफ क्वांटा, क्वांटा सुन लो इधर, हमने क्या बोला सर लाइट के अंदर आवाज सभी को तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी के लिए क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है अभी गिवन डाटा है, यहाँ पे क्या गिवन डाटा है, लेमडा वेवलेंथ कितना दिया है 0.57 माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर मतलब होता है 57 मतलब 10^-6 मीटर। तो एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 6.6 × 10^-34 × 3 × 10^8 डिवाइडेड बाई लेमडा का वैल्यू है 0.57 × 10^-6। इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करो, उसके बाद देखो एनर्जी किसमें आ रहा है, उसके आगे बताएंगे ये कैलकुलेट करना, रेट ऑफ इमिशन क्वांटा पर सेकेंड, करो सॉल्व वहां तक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला चेक करना, इस पूरे का सॉल्व करोगे तो ये कर लो, तो ये वैल्यू आएगा जूल सेकेंड में। अब रेट ऑफ इमिशन क्वांटा पर सेकेंड बोला है, रेट ऑफ इमिशन क्वांटा पर सेकेंड, तो यहाँ पे भैया एनर्जी ऑफ बल्ब, तो कितना एनर्जी है 25, ठीक है ना, वॉट, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और उसके बाद हमने जो एनर्जी निकाला वो कितना है जूल, तो वॉट मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड, तो क्वांटा पर सेकेंड मतलब जूल जूल कैंसर, हमको आंसर यही चाहिए था ना सेकेंड इनवर्स में,
एक फोटोन का एनर्जी कितना है यहाँ पे, कहा गया क्वेश्चन, एनर्जी निकाल कर 34.87 इंटू 10^-20, बस इसी को लेकर शॉर्ट आंसर थी। एक्यूरेट आंसर है 7 पॉइंट, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मिलेगा, 17 × 10^19 एक क्वांटा या फोटोन क्वांटा पर सेकेंड, ठीक है ना। तो लाइट की एनर्जी इतना और एक क्वांटा का एनर्जी इतना, तो उनका रेशियो बस निकालना था लास्ट में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, रेट ऑफ मिजन क्वांटा पर सेकेंड, तो जो गिवन एनर्जी है लाइट का डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन एटम, मतलब वन क्वांटा वन फोटोन से सॉल्व कर लेना। सुन ले इधर, पिछले क्लास हमने फोटोन वर्ड यूज किया था, फोटोन और क्वांटा एक ही है, अलग अलग नहीं है। बस फर्क कब है, कब लिया जाएगा फोटोन, जब सनलाइट है, सनलाइट, तो उस समय इसको बोला जाता है फोटोन। एनर्जी के बंडल को क्या बोला जाता है, फोटोन। सनलाइट में एनर्जी बंडल को बोलते हैं फोटोन। अगर नॉर्मल जो लाइट है, जैसे ट्यूब लाइट है, घर का जो भी लाइट है, टॉर्च है, उसका जो लाइट है, उस समय उसके एनर्जी बंडल को बोला जाता है क्वांटा। तो फोटोन क्वांटा कंफ्यूज मत होना, एक ही जैसा है। सनलाइट के एनर्जी बंडल को हम जनरली बोलते हैं फोटोन, और ऑर्डिनरी लाइट के एनर्जी बंडल को बोलते हैं क्वांटा। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो रेट ऑफ इमिशन क्वांटा पर सेकेंड बोले या फोटोन पर सेकेंड बोले, इसी तरह से सॉल्व करना है। सर आपने 25/34 है, आपने 24 करेक्ट बोल रही हो आप, 34 है। तो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलो ठीक है, बस बस माइक म्यूट कर ले बच्चा, क्लास में आ गए ना। 2.12, 2.8 सॉल्व करना है। 2.8 में अच्छा खासा डिफिकल्टी आ सकता है तुमको, सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको, बट हम हैं क्लास में। तो कल के क्लास में पहले 2.12, 2.8 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की सेवा बस यहीं तक, तो आज की सेवा समाप्त कर